हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। अंसारी, आप सभी लोगों का जॉन अब्राहम, अर्जुन खपूर, दिशा पाटनी एंड तारा सुतारिया की फिल्म एक विलन रिटर्न्स, यानी कि एक विलन द्वितीय के डे नंबर वन के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? 10 बजे सुबह, यही वो टाइम हुआ करता था एक जमाने में 2019 तक, महामारी से पहले, जहां प्रोड्यूसर सुबह उठ के ही सीधा 10 बजे कलेक्शन डालता था चौड़ में आकर। महामारी आई, कलेक्शन 2, 3, 4 गिड़गिड़ा के कलेक्शन आते थे। प्रोड्यूसर्स भी बेचारे क्या करेंगे, ट्रेड फिगर का इंतजार करते थे। उसके बाद थोड़ा बहुत करके 1:30 बजे 2 बजे, हाल ही में हमने देखा किस तरह से शमशेरा के जो कलेक्शन थे वो 2:30 बजे तक आते थे। आज बहुत अच्छा लगा, वही सुबह 10 बजे फिगर्स आने का जो चाल चलन था वो आया इंडस्ट्री में। दे गाइस, अप्रिशिएट व्हेन इट्स रिक्वायर्ड एंड नाउ अप्रिसिएशन इज द नीड ऑफ द आवर। जब भी बॉलीवुड इंडस्ट्री कुछ अच्छा करती है तो अप्रिशिएट करना बनता है। एंड जो सर्कमस्टेंसेस से इंडस्ट्री गुजर रही है, वहां पर अगर चीजें जो है वो ऑर्गेनिकली हो एंड वाकई में सच्चाई हो, तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड गाइस, अप्रिशिएट करना बनता है। एंड जॉन अब्राहम अपने करियर के जिस फेज से गुजर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। जॉन एज अ नेम इज अ बिग, यू नो, इज अ बिग स्टार, यू नो, बट नॉट दैट बिग ऑन द बॉक्स ऑफिस। अनफॉर्चुनेटली आज मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। जॉन अब्राहम की लास्ट फिल्म अटैक पार्ट 1 3.38 करोड़, फिनिश सत्यम जयते 2 3.22 करोड़, डे 1 मुंबई सागा 2.82 करोड़, चलो महामारी थी, पागलपंती 4.75 करोड़। अगर मैं एक बाटला हाउस निकाल दूं 2019 में तो वो 14 करोड़ थी। रोमियो अकबर वॉल्टर 5.35 करोड़, यानी कि 2019 से लेकर अब तक 19, 20, 21, 22 चार साल के बाद जॉन अब्राहम की सबसे बड़ी ओपनिंग लगी है इस फिल्म को, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस है। इन परमाणु 4.82 करोड़, फोर्स 2 6.05 करोड़, तो इन ऑलमोस्ट हाफ अ डेकेड जॉन की सबसे बड़ी ओपनिंग लगी है। एंड मेरे ट्रेलर रिव्यू के बाद ही मैंने बोला था, अगर ये फिल्म करेक्ट बैठी, अगर ये फिल्म सही बैठी एंड अपना बस गर्माहट में रखी, क्योंकि गाइस देखो, उसको फ्रेंचाइजी का फायदा मिलेगा इस फिल्म को। फिल्म चाहे कितनी भी बकवास हो, फ्रेंचाइजी का फायदा लेकर पब्लिक तो थिएटर में आएगी, गाना खींच के लाएगा। पहले 2 गाने बहुत ही मस्त थे, अपने रिव्यू भी किए थे। उसके बाद पूरा पब्लिसिटी अर्जुन कपूर के पास चली गई, जॉन अब्राहम तेहरान की शूटिंग में चला गया, इन लोगों ने यूए लिया। अरे ऐसी पिक्चर यूए क्यों लेते हैं? तुमको क्या लगता है ये जो कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब बड़ी बड़ी तादादों में दोस्त लोग लेके आ रहे हैं अपने, कुछ लोग अपनी आइटम लोग के साथ आ रहे हैं देखने के लिए, ये क्या देखने के लिए आ रहे हैं? ये अर्जुन कपूर को नाचते हुए देखने के लिए आ रहे हैं? हाँ, रॉक कॉन्सर्ट में अर्जुन कपूर का रोमांस देखने के लिए आ रहे हैं? नहीं, दे आर कमिंग फॉर द सॉन्ग्स, दे आर कमिंग फॉर द हॉट स्टीमी सीन्स। ये सच्चाई है, इसको मानो नहीं मानो, इसको जो बोलना है, अगर आपको ठरकपना बोलना है किसी का तो बोल दो, हर किस्म की ऑडियंस होती है, आपको जो नाम देना दे दो। एंड ये फिल्मों का जो उद्देश्य रहता है ये वही है, ऑडियंस को एंटाइस करना। जब आप यूए ले लेते हो, वही आधे लोग अब क्या दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। तो ये अगर लोग वो लेवल पे रखते हैं ना भाई, और अर्जुन कपूर के बदले कोई दूसरा एक्टर लेते हैं ना, ये फिल्म 10 करोड़ की ओपनिंग डेफिनेटली लेती। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अब देखना है कि ये फिल्म का कंटेंट तो जमा नहीं है, लेट्स सी ऑडियंस क्या, सेकंड हाफ के ट्विस्ट एंड टर्न्स है। जो एक स्टीमी गाना है, यानी तेरी गलियां रिटर्न्स है, उस पे फिल्म ले जाती है अपने कंधों पर, नहीं ले जाती है, एंड सब कुछ अब मंडे डिसाइड करेगा। लेकिन गाइस, बात करूं यही साल की, हीरोपंती 2 6.5 करोड़, अटैक 3.38, जय भाई जोरदार, रणवीर सिंह 3.25, रनवे 34 3, अजय देवगन मास महाराजा, जर्सी 2.73, शाहिद कपूर, अनेक खुराना 1.77, खत्म। ये फिल्में बिखर गई, 4-5 करोड़ में बिखरते हुए जा रही थी। एंड यहां पर एक विलन रिटर्न्स जो है उसने 7.05 करोड़ कमाया। यस फ्रेंड्स, हमको खुद को लग रहा था कि ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं 6-6.5 जाएगी, एंड थर्सडे की रात तक लग रहा था बस 5 चल जाए कैसे भी, शाम के शो पिकअप लिए ऐसा लगा 6 के ऊपर जाएगी, 6.5 टच कर सकती है। लेकिन फिल्म ने 7.05 करोड़ कमाए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गाइस। अब समझ रहे हो, फिल्म में उतना दम नहीं है, इन टोटैलिटी अगर देखने जाओ तो फिल्म इज बैड, इट इज बैड। लेकिन डिस्पाइट दैट, ड्यू टू द वेरी गुड सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिल्म, ऑल थैंक्स टू जॉन एंड द मिस्ट्री एंड सस्पेंस, द फिल्म हैज मैनेज्ड
7.05 करोड़। तो गाइस जनता जनार्दन है, देखो जनता की आवाज को कभी भी यहाँ पर ठुकराना नहीं चाहिए। एंड आज की एडवांस बुकिंग 2.30 करोड़ की है, तो आज ये फिल्म कैसे भी यहाँ पर 8 करोड़ करते हुए दिखाई दे रही है। तो फ्राइडे 7.05 करोड़ एंड सैटरडे 8 एंड संडे अगर 9 टच की फिल्म ने, देन गाइज वी कैन हैव अ फैबुलस 24 करोड़ वीकेंड, जो कि इस फिल्म के लिए काफी डिसेंट होगा। देखो गाइज इस फिल्म को हिट होने के लिए 75 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस करना है इंडिया में, मैं आपको पहले बोलकर जा रहा हूँ, जो कि शायद नहीं करते हुए दिखाती है। तो अगर ये एटलीस्ट 50-55 करोड़ तक जाती है, देन गाइज एक एवरेज फिल्म होगी। एंड आज इंडस्ट्री को ये बहुत जरूरत है। सबसे बड़ी यूएसपी इस फिल्म की ये है कि ना कोई ब्लॉक बुकिंग हुई इस फिल्म की, ना प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म की टिकटें बुक करवाई, ये ऑर्गेनिक कलेक्शन है। इसीलिए मैं बढ़ चढ़ कर इस फिल्म के पक्ष में बात कर रहा हूँ, वरना आप सभी लोगों को मालूम है पहला मैं पकड़ के अगर ये सब चीज़ें होती है तो मैं अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो में बता देता हूँ कि प्रोड्यूसर ने कलेक्शन ज़्यादा भेजा है, प्रोड्यूसर ने कलेक्शन सही नहीं भेजा है, जो कि आने वाले एपिसोड में बात करने वाला हूँ, ओके। लेकिन ये यहाँ पर आई वो क्लीन शीट टू 1 बिलियन रिटर्न, द फिल्म हैज डन बिजनेस ट्यून ऑफ 7 करोड़, नहीं करते करते 6.8 करोड़ तो किया, तो प्रोड्यूसर ने 7.05 करोड़ दिया है। एंड गाइस इसके पहले जुग जुग जियो 9.28 करोड़, शमशेरा 10.25, गंगू 10.50, सम्राट पृथ्वीराज 10.70, उसके बाद बच्चन पांडे 13.25 एंड भूल भुलैया 2 14.11। तो इनके मुताबिक तो कम किया है, लेकिन गाइस ये कोई इवेंट फिल्म नहीं थी, जैसे कि शमशेरा, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, ओके ये इवेंट फिल्म नहीं थी, नॉर्मल फिल्म थी। यस अगर वो सारे पॉइंट टिक होते देन ये भी 10 करोड़ की ओपनिंग लेती। दिस हैड द पोटेंशियल। ये अर्जुन कपूर को हटा के अरे करण सिंह ग्रोवर को ले लेते यार उसके अंदर। हाँ और कल गलती से रिव्यू में मेरे से मुंह से अर्जुन रामपाल निकल गया। अर्जुन रामपाल अरे कोई आदमी लो रहे जो दिखना रहे, मजा आना उसको स्क्रीन पर देखने के लिए, उसी को ले लेते ना। आदित्य रॉय कपूर को ले लेते ना, आदित्य रॉय कपूर वर्सेस जॉन अब्राहम, फाड़म फाड़ी हो जाती ना मचान। क्यों अर्जुन कपूर ने टी शर्ट नहीं उतारा क्लाइमैक्स में, क्यों क्यों नहीं उतारा क्लाइमैक्स में? अरे जॉन के सामने कोई भी हीरो टी शर्ट उतारता है। अरे जमवाल को क्यों नहीं लेते हो भाई तुम लोग पिक्चर में? ऐसी विद्युत जमवाल को लिए होते ना अर्जुन कपूर के रोल में, बवाल गेटी फाड़ दिया होता पूरा क्लाइमैक्स में, जमवाल वर्सेस जॉन। क्या तुम लोग कास्टिंग कौन किया पिक्चर की? 1 मिलियन रिटर्न्स भाई, अपने पैर पर डंटा मार दिए। अभी पार्ट 3 बनने वाला है ना, उसमें कपूर साहब को अपने घर पर ही रहने देना, समझ में आया? ओके सो लेट्स सी 1 मिलियन रिटर्न्स बॉक्स ऑफिस पे कैसा करती है। ओके स्मैमन साई साइनिंग ऑफ, यू विल सी वेरी सून। अनफॉर्चुनेटली गाइस देखो मैं किसी को खुश करने बैठा नहीं हूँ, जो बात सच्चाई है वो आपको पहुंचानी है। एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।